ईएसआई के मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि परमानेंट नहीं करना है, अगर रखेंगे तो परमानेंट करना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि इनको हटा दो, कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर दो। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि प्यारा सिंह वर्सेस राजस्थान का एक केस सीटू ने लड़ा था और वो केस हम लोग जीत चुके हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने, हरियाणा हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाई को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाई से हटाया नहीं जा सकता है। यानी ठेकेदार आए और जाएं, जितना चाहे ईएसआई ठेकेदार बदल ले, ठेकेदार से हमारा मतलब नहीं है, लेकिन कर्मचारियों से हमारा मतलब है। हम चाहते हैं, और यही समझ है, यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का यही निर्णय है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको उसी स्थान पे रखा जाएगा। भैया ठीक है, आपने चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्टर, ये कौन सा तरीका है कि 28 साल से काम कर रहे मजदूरों को रात के 12 बजे आप बता रहे हैं कि आज से आप नौकरी पे नहीं हैं। भाई हर आदमी के घर में बच्चा है, हर आदमी का परिवार है, हर आदमी के ऊपर बूढ़े माँ बाप हैं, सब कुछ है, अचानक किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी 3 महीने का नोटिस पे है, जिसकी बात पंजी कर रहे थे, कोई नोटिस पे नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी तरह का लेटर नहीं, अचानक 15 तारीख की रात को कल से आपकी नौकरी खत्म। ये निर्देश नए ठेकेदार साहब ने दिया है। साथियों, और साथ ही साथ भाई मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो तो पढ़े हुए लोग हैं, एमएस साहब तो एमडी करके आए हैं, उनको देश के कानूनों के बारे में पता नहीं है। चलो आपने कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि कानून ये है कि आप मजदूरों को नहीं बदल सकते। साथियों, हमने दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर, दिल्ली के जो कमिश्नर हैं इनके, कैप्टन उमेश शर्मा, उनसे बात किया, वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ का पूरा कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो चुका है। मैंने कहा आपको सब पता है सर, आप चोरी ना करें, साफ साफ कहिए कि कॉन्ट्रैक्टर बदल गया है, लेकिन इन मजदूरों को आपको रखवाना पड़ेगा। साथियों, आज हमारे पहले दिन धरने की शुरुआत है, और मैं अपील करना चाहता हूँ ईएसआई में काम कर रहे हर मजदूर से, ये जो सीटू है ये मजदूरों का संगठन है, आपका संगठन है, आज इनके ऊपर गाज गिरी है, कल आपके ऊपर गाज गिरेगी, गेट के चारों तरफ परसों सफाई कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरेगी, चौकारों ऑटो रिक्शा वालों पे गाज गिरेगी। ये तो हकीकत है, इस लड़ाई में आप सब लोगों को इनका साथ देना है। लाइव तो गिर जाएगी, फेसबुक पे गिर देंगे, और हिम्मत किया है तो एक फायदा है, हिम्मत लाइव वीडियो गिर देंगे, इनको रखवाएंगे, और हमारा फेसबुक पे तब तक नहीं चलता रहेगा यहाँ पे जब तक इन सभी कर्मचारियों को वहाँ पे रखा नहीं जाता। ये हमारा विश्वास है, इसी के लिए ठीक है। एक और बात है, कई साथियों ने कहा कुछ लोगों को रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब जानते हैं कि सीआईटू का मतलब क्या है, सीटू तो छोड़ती नहीं अपने मजदूरों को, तो उनको पता है, इसीलिए धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को वो रखना चाहते हैं। रखे भाई, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है, जिस मजदूर को जितनी ज़्यादा संख्या में वो रखते जाएं, ताकि हमारी लड़ाई कुछ लोगों पे बचे, अगर 5-10 बचेंगे तो वो तो हम रखवा लेंगे, उनको जिसको रखना है रखे। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ काम नहीं हो पा रहा है नए ठेकेदार से, क्योंकि नए लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कैसे ईएसआई का सिस्टम चलता है। मैंने मरीजों से बात की, एक दिन पानी भर गया, पूरा सिस्टम में पानी भर गया, ये हालात, वीडियो नहीं है, वो वीडियो दिखाओ ना, हालत बुरी है, जो
दुखी जिन मजदूरों को पता है 28 सालों से कि यहाँ काम होता है कैसे है, उन्हीं को पता है कि वो ESI के अंदर काम कैसे करवाएं। तो साथियों, आपके आंदोलन का पूरी तरह से CITU समर्थन करती है और जरूरत पड़ेगी। देखिए, हमारे छात्र जानते हैं, आज ही मैं अपने क्लास में बात कर रहा था तो छात्रों ने ये मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि उनके जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनकी वो फीस कैसे देंगे, उनके बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनकी फीस कैसे देंगे। तो ESI के अधिकारियों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी नहीं रखवाएंगे, अभी पूरी तरह से कॉलेज चल रहेगा, नहीं तो यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे आके बैठ सकते हैं और उस दिन इनके संभालने से नहीं समझेगा। छात्रों को संभालना बहुत कठिन होता है, तालियां बहुत ही कठिन होता है, हम उनको संभालते हैं, इनके लिए बहुत ही कठिन होगा। तो चीज है ESI के मैनेजमेंट को चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि ये आंदोलन उग्र रूप ना ले ले। ये आंदोलन में और बड़ी संख्या में CITU की तरफ से हजारों की संख्या में लोग ना यहाँ आ जाए और इनकी पूरी दिल्ली में भद पिटाई ना हो जाए, क्यों हम वो अभी नहीं चाहते, ये भी आपको बता दूं। क्योंकि हमको लगता है, CITU को लगता है कि ESI फिर भी सरकारी संस्थानों में एक ऐसा संस्थान है जहाँ कुछ काम होता है, ESI में इलाज होता है। और बसई धारापुर का अस्पताल ESI का सबसे बेहतरीन अस्पतालों में एक है, मजदूरों का इलाज होता है, यहाँ पे काम होता है। इसीलिए हम अभी नहीं चाहते कि इनकी इमेज को, जो पूरे देश में ESI की इमेज बनी हुई है, उस इमेज को कोई खतरा हो। जल्दी से जल्दी, गलती MS का है, गलती मैनेजमेंट का है, जल्दी से जल्दी इन कर्मचारियों को रखवा दें ताकि हम अपना धरना समाप्त करें। साथियों, इस आश्वासन के साथ कि देखिए ऐसा है, आजकल माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है जब तक बच्चा रो नहीं रहा, ये जमाने में हम जी रहे हैं। साफ बात है, कोई और आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको क्या कर दिया भाई, मेरा मर्डर कर दो, गला काट दो, मैं धरना भी नहीं लगाऊं, मैं प्रदर्शन भी ना करूं, मैं बोलूं भी ना। ये हालात अभी पूरे देश में पैदा होते जा रहे हैं। तो आप साथियों को दोबारा से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हुए, ये लाल झंडे का संगठन है, क्रांतिकारी लाल सलाम करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक ही गुजारिश करूंगा, सभी कर्मचारियों से प्यार से बात करना है, सभी कर्मचारियों को बुलाना है, ये कहना है आइए 10 मिनट के लिए हमारे धरने में बैठिए, सभी डॉक्टरों से कहना है कि डॉक्टर साहब आप हमारा समर्थन कीजिए, हमारे आंदोलन का समर्थन कीजिए, यहाँ पे काम कर रहे हर कर्मचारी को बोलना है कि आप आइए और हमारे आंदोलन का समर्थन कीजिए। ये करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन, यहाँ के मैनेजमेंट को झुकाने के लिए। भाई साहब भी सुन रहे हैं, 28 साल से मजदूर नौकरी पे है, रात के 12 बजे उनसे कह दिया गया कि आपकी नौकरी कल से खत्म, इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं, उनका इलाज चल रहा है, उन सबका कौन देखभाल करेगा। ये हालात अभी दिल्ली के अंदर पैदा हुए। तो साथियों, आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूँ कि इस आंदोलन को मुस्तैदी के साथ लड़ने की जरूरत है, इस आंदोलन को समझ और सूझबूझ के साथ लड़ने की जरूरत है, और इसके साथ पूरी दिल्ली में अभी मजदूरों के बीच में संदेशा चला जाए। यहाँ पूरी दिल्ली के मजदूर आते हैं, पूरे दिल्ली के मजदूरों में ये संदेशा चला जाएगा कि आपके अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मजदूर उसके लिए लड़ेगा, वो भागेगा नहीं, वो मैदान नहीं छोड़ देगा, वो डर के नहीं जाएगा, बल्कि वो लाल झंडा के नीचे खड़ा होकर अपना संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा। तो साथियों, इसी बात के साथ मैं अपील करता हूँ, आपका आंदोलन साथी ये मत समझिएगा आज आपने झंडा लगा दिया और आज ही खत्म हो, ये नहीं होगा। आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कमर कस के यहाँ पे बैठिए, अधिकारियों के हिलने में समय लगता है,
और वो मुंह से नहीं हिलते, कागज से हिलते हैं। एक कागज दूसरी जगह पहुंचने में 2-4 दिन 5-10 दिन लगता है, मीटिंग करने में टाइम लगता है। तो आपको डट के यहाँ पे बैठना होगा और डट के बैठिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी जीत होगी और जिनके नेतृत्व में आपकी जीत होगी और किचन एस्टेब्लिशमेंट यूनियन की आपकी जीत होगी। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। वो नारे मैं दूंगा, नारों का जवाब दीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब कब आप बोलिए? इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सबको परमानेंट करना होगा। करना होगा। करना होगा। सबको नौकरी पे रखना होगा। रखना होगा। रखना होगा। नौकरी तुमसे लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। छटनी वटनी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मजदूरों के अधिकारों पे हमले बंद करो। बंद करो। बंद करो। मजदूरों के अधिकारों पे हमले बंद करो। बंद करो। बंद करो। अपना हक हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे। डट के लेंगे। अपना हक हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे। डट के लेंगे। अपना हक हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे। डट के लेंगे। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। पतंजलि कहाँ गए? बोलो 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 जो बोलना है। क्या बोल रहे हैं? आइए आके बैठिए। आप मीटिंग का वो करो। बताओ प्रॉब्लम। बताओ यार। गांड फटी।